हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया ई रूपी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, कहा डिजिटल ट्रांजैक्शन और प्रभावी बनेगा। ई रूपी में भ्रष्टाचार कम होगा, पारदर्शिता आएगी। ई रूपी से हेल्थ सेक्टर को भी जोड़ा जा रहा है। टेक्नोलॉजी से जुड़ने के मामले में भारत किसी देश से पीछे नहीं, भारत ग्लोबल लीडरशिप की क्षमता रखता है। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने दिल्ली दौरे पर बीजेपी नेताओं से की मुलाकात, कहा लिस्ट को हरी झंडी मिली तो बुधवार को होगा कैबिनेट विस्तार। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खेला होबे कार्यक्रम किया लॉन्च, जल्द ही पूरे देश में पॉपुलर होगा कार्यक्रम। अगरतला में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का विरोध, अभिषेक ने बीजेपी पर लगाया आरोप। संसद को दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। संसद के बाहर कृषि कानूनों के खिलाफ अकाली दल और बीएसपी का प्रदर्शन, हरसिमरत कौर ने विरोध में बीजेपी सांसदों को दी गेहूं की बालियां। पेगासस मामले पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, मामले की जांच होनी चाहिए, संसद में इस मामले पर चर्चा जरूरी। नीतीश कुमार के बयान पर बोले आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, बस वो अपने बयान से पलटे नहीं, यही आग्रह करूंगा। राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से सदन चलाने के लिए मांगा सहयोग, खड़गे का जवाब, विपक्ष से उठाए मुद्दे पर हो चर्चा, हम सहयोग के लिए तैयार। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की मंगलवार को बैठक, राहुल गांधी बैठक में होंगे शामिल। संसद में कामकाज नहीं होने के बाद कई विपक्षी दल मॉक संसद चलाने के पक्ष में, बैठक में होगा फैसला। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद बोले जदयू अध्यक्ष ललन सिंह, जातीय जनगणना की मांग है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद, 200 किसानों ने कानूनों पर की चर्चा। हरियाणा के बेरोजगारों को सीएम मनोहर लाल खट्टर का आश्वासन, बेरोजगारी खत्म करने के लिए उठा रहे कई कदम। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को लेकर की बैठक, नरोत्तम मिश्रा भी रहे मौजूद। यूपी में मुहर्रम को लेकर डीजीपी के दिशा निर्देश पर विवाद, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने माफी मांगने और लेटर वापस लेने को कहा। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने डीजीपी पर गलत शब्दों के इस्तेमाल का लगाया आरोप, कहा इमेज खराब करने की कोशिश। दिल्ली पुलिस ने सागर धनखड़ मर्डर केस में सुशील कुमार के खिलाफ दायर की चार्जशीट। चार्जशीट में पहलवान सुशील कुमार है मुख्य आरोपी, 20 आरोपियों में से अब तक 15 गिरफ्तार, 5 फरार। 7 अगस्त तक के लिए टली राजकुंद्रा की जमानत पर सुनवाई, न्यायिक हिरासत के खिलाफ दायर की गई थी याचिका। राजकुंद्रा पर शिल्पा शेट्टी ने भी तोड़ी चुप्पी, कहा बच्चों की खातिर परिवार की प्राइवेसी का रखें ख्याल। शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मीडिया ट्रायल नहीं करने को कहा, बोली मुझे कानून पर पूरा भरोसा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड बरामद। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का जल्द तोड़ा जाएगा गेट, यूनिवर्सिटी का गेट बनवाकर सड़क बंद करने का था आरोप। माफिया मुख्तार अंसारी का साला अनवर शहजाद गिरफ्तार, 25,000 का था इनाम। महाराष्ट्र में जीका वायरस की दहशत, केंद्र ने मदद के लिए हाई लेवल एक टीम भेजी। सितंबर अक्टूबर से मिल सकती है भारत में बनी स्पुतनिक वैक्सीन, डॉक्टर रेड्डीज लैब ने दी जानकारी। कोरोना की थर्ड वेव के आने से पहले राहत भरी खबर, कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर है प्रभावी। भारत में पूरा हुआ जुलाई का वैक्सीनेशन टारगेट, 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन, वैक्सीनेशन में दूसरे नंबर पर भारत। WHO की भारत सरकार को सलाह, शरणार्थियों को वैक्सीनेशन में दें प्राथमिकता। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले, 422 संक्रमितों की हुई मौत। यूपी में कोरोना के 25 नए केसेस, 24 घंटे में 42 लोग ठीक हुए। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में रविवार तक बढ़ा लॉकडाउन, लगातार कोरोना केसेस बढ़ने पर फैसला। दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश, अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश का अनुमान। पश्चिम बंगाल के हुगली में 20 लोगों का किया गया रेस्क्यू, ताड़केश्वर नदी का जलस्तर बढ़ने से फंस गए थे लोग। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बाढ़ प्रभावित कोल्हापुर का किया दौरा, प्रभावित इलाकों में गांव वालों को की परेशानियां जानी। सीएम उद्धव ठाकरे के दौरे के समय सांगली में भिड़े बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ता, बाढ़ के बाद हालात का जायजा लेने पहुंचे थे उद्धव। सांगली के लोगों को सीएम उद्धव ठाकरे ने हर संभव मदद का भरोसा दिया, कहा किसी भी असहाय को नहीं छोड़ा जाएगा। निर्मला सीतारमण से मिले एनसीपी और शिवसेना के सांसद, बाढ़ बारिश प्रभावित इलाकों में मांगी मदद। राजस्थान के धौलपुर में खोले गए आंगई डैम के गेट, भारी बारिश के चलते छोड़ा गया पानी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का बयान, अमेरिकी सैनिकों की वापसी की वजह से बढ़ रही हिंसा। इटली के पस्कारा के जंगलों में लगी आग, 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मध्य चीन में बाढ़ ने 300 से ज्यादा लोगों की ली जान, 50 लोग अभी भी लापता। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास, पहली बार ओलंपिक सेमीफाइनल में बनाई जगह, 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया। भारत की तरफ से गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर पर किया गोल, अब सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से होगा मुकाबला। पीएम मोदी ने महिला और पुरुष हॉकी टीम को कामयाबी पर जताई खुशी, कहा दोनों टीमों के प्रयास ऐतिहासिक हैं। US डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 8 पैसे बढ़ा, 1 डॉलर की कीमत अब 74.34 रुपए। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 300 पर। हाय,
आई एम सुरभी शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।